हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों का मौसम है तो क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा बना लिया जाए। तो चलिए बनाते हैं रोज़ फालूदा की रेसिपी। इसमें हम कुकिंग बहुत कम करेंगे, लेकिन जो फालूदा की सेवइयाँ होती हैं उनको हम घर पे ही बनाएंगे आसान तरीके से। फिर फालूदा को हम असेंबल कैसे करेंगे ये भी बताऊँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले हम चिया सीड को भिगो लेंगे। और यहाँ मैंने 4 चम्मच चिया सीड लिया है। इनको पानी डाल के हम इस तरीके से मिलाकर भिगो लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब हम फालूदा की सेवइयाँ तैयार करेंगे। फालूदा सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। ये 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर है। इनमें मिलाएंगे हम 1.5 कप पानी और यहाँ इनको कंटिन्यूसली चला के मिला लेंगे जब तक ये सारे लम्स हट नहीं जाते हैं। हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं। अब हम सारे जब अच्छी तरह से मिल जाएंगे कस्टर्ड पाउडर पानी के साथ, तो इनको गैस पर रख लेंगे और इनको हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए कंसिस्टेंसी में और ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो आप देखिए, हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पका रहे हैं और इसी तरीके से हमें लगातार चलाते हुए इनको कुक करना है। अब ये धीरे धीरे अपने गाढ़ा होते जा रहा है और ये काफ़ी ट्रांसलूसेंट भी होता जा रहा है। देखिए, यहाँ इस स्टेज पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। चलाते रहेंगे और कस्टर्ड काफ़ी हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो ये सेवइयाँ बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इस बैटर को हम इस तरीके का जो चकली मेकर होता है उसमें डाल लेंगे और जो छोटी वाली प्लेट होती है नमकीन वाली उसे लगा लेंगे। सारा बैटर हम इसमें मोल्ड में डाल लेंगे। बैटर को ठंडा नहीं होने देना है, जल्दी जल्दी हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, सारा बैटर हमने मोल्ड में डाल लिया है। आप कैप बंद कर लेते हैं इनका। एक तरफ मैंने बर्फ़ का पानी ले लिया था बाउल में। अब हम इस तरीके से इनको गोल घुमाते हुए सारी सेवइयाँ बर्फ़ के पानी में निकाल लेंगे। और ये प्रोसेस आप बहुत जल्दी जल्दी करेगा, वरना ठंडा जब बैटर हो जाएगा तो हमारा सेवइयाँ नहीं बनेंगी। सारी सेवइयाँ बनाने के बाद हम सेवइयों को इसी तरीके से पानी में रहने देंगे और इन्हें सेट होने के लिए हम 10 से 15 मिनट के लिए इनको फ्रिज में रख देंगे। सेट होने के बाद हमने पानी छान लिया है। देखिए, हमारी सेवइयाँ तैयार हैं फालूदा की। और अब बनाएंगे रोज़ मिल्क। काफ़ी सिंपल है बनाना इसको। एक बाउल में हम 2 टेबल स्पून रोज़ सिरप ले लेंगे और इनमें मैं चिल्ड मिल्क दे ले रही हूँ। ये मिल्क मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, तो वो प्रोसेस हमें नहीं करना है। आप बॉइल्ड मिल्क ठंडा करके आप यूज़ कर लीजिए। हमारा रोज़ मिल्क भी बनके तैयार हो गया है। सारी सामग्री हमने इकट्ठा कर ली हैं। हमारे चिया सीड भी सोख हो गए हैं। मैंने यहाँ पे रोज़ मिल्क ले लिया है, फालूदा के सेवइयाँ हैं, आइसक्रीम ले लिया है और एक बाउल मैंने आम भी कट करके ले लिया है। ये फ्रेश मार्केट में मिल रहे हैं, तो कोई भी फ्रेश फ्रूट आप ले सकते हो। मैं यहाँ डिस्पोजेबल ग्लास ले रही हूँ फालूदा को असेंबल करने के लिए। और बेस में हम डालेंगे सबसे पहले चिया सीड, सोक चिया सीड, और ऊपर से डाल लेते हैं। उसके ऊपर हम डालेंगे सेवइयाँ जो हमने बनाई हैं। सारे ग्लास में इसी तरह से हम सेवइयों को डाल लेंगे। सेवइयों को डालने के बाद ऐड करेंगे हम रोज़ मिल्क। आधा आधा ग्लास फिल कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम ली है। इनका एक एक स्कूप डाल लेते हैं ऊपर से। धीरे से डालिएगा, एक एक स्कूप सारे ग्लास में मिला डाल लेंगे। और एक एक स्पून ही हम मैंगो जो चॉप किए हैं उनको डाल लेते हैं। आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको मैंगो नहीं पसंद है तो आप बनाना या एप्पल भी ले सकते हो, या कोई भी सीजनल फ्रूट जो अवेलेबल है आप उनको ले लीजिए। तो ऊपर से थोड़े से हम टूटी फ्रूटी भी डाल लेंगे और एक एक स्कूप हम और आइसक्रीम का ऊपर से रखेंगे। मेरे पास यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप निकालने वाला नहीं है, तो अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूपर है तो आप उसी से निकालिए। उससे काफ़ी बढ़िया तरीके से आइसक्रीम निकल जाती है। तो देखिए, हमने एक एक स्कूप और निकाल लिया है। अब ऊपर से हम थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल लेंगे
और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप किए थे वो भी मैंने डाल लिए हैं, ऐड कर दिया ऊपर से। और रोज़ सिरप को हम थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे ऊपर से इस तरीके से, बढ़िया तरीके से। देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है हमारा रोज़ फालूदा। एक एक चेरी हमने ऊपर से लगा दिए हैं, हमारा रोज़ फालूदा बन के तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।